प्रिया तुम्हारी मॉम कहीं नजर नहीं आ रही? हाँ वो एक्चुअली हीना और मॉम कहीं बाहर गए हैं कुछ काम से। ओके। अब मिस्टर सिंह, वो कंस्ट्रक्शन के लैंड के बारे में जो हमारी बात हुई थी, उस डील के बारे में आपने कुछ सोचा? श्योर, वी विल टॉक अबाउट इट। मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे मिस्टर सिंह, लीजिए ना ब्रेकफास्ट लीजिए। थैंक यू ऋषभ। अरे सर। हाय सर, आप यहाँ कैसे? प्लीज हैव ब्रेकफास्ट विद अस। इज दिस ओके? मीट मिस्टर विशाल शर्मा। हाय ऋषभ गुजराल। विशाल शर्मा। मिस्टर शर्मा चाहते हैं कि उस जगह का इनॉग्रेशन कोई वेल नोन आर्मी ऑफिसर करे। वो जगह जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टेक ओवर की है, वो वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं। ओके। और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है और वहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक बनने वाला है। वैसे वो जगह है कहाँ? खाली पहाड़ी के पीछे एक सुनसान जगह है। सुना वहाँ कोई पुराना महल भी है। काली पहाड़ियों के पीछे तो नाग महल है। ऋषभ, तुमसे अच्छा आर्मी ऑफिसर कौन हो सकता है? इसके लिए तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। इनफैक्ट जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी वहीं से शुरू होने वाला है। मिस्टर सिंह, आप भी मेरे साथ ही चलिए। या श्योर। वेल, इनॉग्रेशन आज शाम को ही है और कंस्ट्रक्शन भी कल से शुरू हो ही जाएगा। इवेंट के बाद एक छोटी सी पार्टी भी है, तो आप और आपकी पूरी फैमिली इनवाइटेड है। गाइस प्लीज कम। वी विल बी देयर। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। भाई भाई मैं ना कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर फाइल कर रहा हूँ, तो उसमें एक्स आर्मी ऑफिसर्स को ना एक स्पेशल प्रेफरेंस मिल रही है, तो यू नेवर नो, क्या पता ये टेंडर हमें मिल जाए। सही कह रहे हैं रिच, अब एक्स आर्मी ऑफिसर होने का कोई तो फायदा होना ही चाहिए। हाँ लेकिन उसके लिए आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अभी लेकर आता हूँ। क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों? काली पहाड़ी के पीछे एक महल है, वो लोग उस महल को तबाह नहीं कर सकते, मुझे उन्हें रोकना होगा। वो लोग उस जगह एक स्मारक बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें वो स्मारक नहीं बनाने दूंगी। क्यों? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, बस इतना जानती हूँ कि मैं किसी को उस महल को छूने तक नहीं दूंगी। फिर तो ये बहुत अच्छा मौका है। लोक प्रथा, तुम चाहते हो कि वहां पर वो कंस्ट्रक्शन ना हो, राइट? तुम इनोग्रेशन ही रोक दो, और मैं तो कहता हूँ कि जो इनोग्रेशन करने जा रहा है तुम उसे ही मार दो। मीन्स ऋषभ। देखो ऋषभ को वैसे भी तुम मारना चाहती हो, सोचो यही मौका है। मौका भी है, बदला भी है और खून भी। तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, महल भी बच जाएगा। सोचो और तैयार हो जाओ अपने सबसे बड़े शिकार के लिए। भाई आप प्रथा को इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगता है कि उसे ऋषभ से प्यार ना हो जाए? भाई मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं प्रथा से। प्लीज आप भूलिए मत हम यहाँ क्यों आए हैं। हम प्रथा की हेल्प करने आए क्योंकि ज्वाला ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की थी। मुझे पता है मेरे लिए किसने क्या किया है और किसके लिए मुझे क्या करना है। ये तो वही फाइल्स हैं। ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं शक्ति की, पर 12 मार्च 2020, ये मेडिकल रिपोर्ट्स तो 2020 की हैं पर शक्ति की मौत तो कई साल पहले हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उसे देखना है। कहाँ है वो? देखना है मुझे, अभी देखना है उसको। कहाँ है वो?
मुझे लगता है कि इस दीवार के पीछे मेरी दीपिका होगी और मैं उसे यहीं से देख पाऊंगा। तुम्हें छुप छुप कर देखने में अलग ही मजा आता है दीपिका। भाई ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी मिल गए, चेक कर लो। या इनॉग्रेशन में जाना है, कियारा अभी तक नहीं आई। वैसे ये एग्जैक्टली इनॉग्रेशन किस जगह है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। Anyway, let's go. Mr. Singh, then I'll see you at the inauguration. Rishabh, itna bhi kya suspense hai? बोलो ना, ये इनॉग्रेशन है कहाँ? एक्चुअली वो एक सुनसान जगह है काली पहाड़ियों के पीछे। सदियों पुराना महल भी है वहां, सुना है। बस वहीं जा रहे हैं। तो क्या ये लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे? फिर तो वहां रहने वाले सारे नाग नागिन बेघर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऋषभ के साथ नहीं जा सकती कि मुझे तो नाग नागिनों का साथ देना है। मैं शेष नागिन हूं, तुम मुझे तो उस जगह की रक्षा करनी है। महक, वो वही महल है जहां हमारा जन्म हुआ, बचपन जिया और बड़े हुए। नहीं, तुम भले ही कितनी भी बदल जाओ, नाग महल का इतिहास तुम मैं नहीं बदलने दूंगी। सदियों से जहां नाग महल है, सदियों तक वो वही रहेगा। उर्वशी, ये जगह जहां हम जा रहे हैं ये नाग महल है। मैं ऋषभ को नाग महल नहीं तोड़ने दूंगी। रियली? कैसे रोकोगी तुम उसे? क्या बोलोगी? मैं शेष नागिन हूँ और ये मेरा महल है। मैं तुम्हें ये इनॉग्रेशन नहीं करने दूंगी। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। आप वहां मत जाओ, आप वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां सांप रहते हैं। वहां शेष नागिन रहती है। सीरियसली शेष नागिन, आप सब इन सब बातों में भी विश्वास रखते हैं? देखिए, आजकल के जमाने में ऐसी कोई चीज नहीं होती। होते हैं सांप, होते हैं। अच्छा, और आपको कैसे पता? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वहां जाकर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं इन सब चीजों में विश्वास रखता हूँ। अब रस्ते से हटिए वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी होगी।
हटिए। नहीं, मैं शेष नागिन हूं, मुझे इन लोगों को हर हाल में रोकना होगा। ये अनहोनी तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये लोग तो वहीं जा रहे हैं, कैसे रोके इन्हें? वो शिव भूमि है, नाग भूमि। नाग नागिन कहाँ जाएंगे? पुरातत्व विभाग वाले नाग महल की जगह स्मारक बना देंगे, तो फिर ये जगह तो टूरिस्ट वालों के लिए हो जाएगी। वहाँ तो शेष नागिन विराजती हैं। नाग महल को हम ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। ये क्या था? ऐसा लगा भी यहां से कोई गुजरा। चाहे आंधी लानी पड़े या तूफान, लेकिन इसे नाग महल नहीं नष्ट करने देंगे। हेलो मिस्टर ऋषभ। हाय मिस्टर विशाल। आज यहाँ पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स सबको इनवाइट किया है इस ग्रैंड सेलिब्रेशन और इनॉग्रेशन के लिए, क्योंकि आज इस महल की आखिरी रात है। कल तो ये महल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और हम यहाँ बना देंगे एक खूबसूरत सा टूरिस्ट स्पॉट। दैट्स ग्रेट, लेट्स वॉच द प्रॉपर्टी नाउ। कुछ वक्त बाद ये सुनसान जगह कितनी आलीशान बन जाएगी जब यहाँ टूरिस्ट सेक्टर बनेगा। तुम तैयार हो ना ऋषभ को मारने के लिए? देखो तुम मुझे गलत मत समझना, ये तुम्हारा ही बदला है और तुम्हें ही लेना है। हाँ, मैं मारूंगी। बदला तो मुझे लेना है और उसकी एक नहीं हजार वजह है। एक वो दिन था जब आपने मुझे इसी महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मेरा नागिन रूप मुझसे छीन लिया। आज देखो, मैं इसी महल में खड़ी हूं और इस महल को टुकड़े टुकड़े होते देखूंगी मैं, और जब वो होगा तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मां की वो पायल यही होनी चाहिए। कहां चली गई? कहां है वो? आखिरी बार जब मैं यहां आई थी तो मैंने यही रखी थी वो पायल। ये उसे ढूंढ क्यों रही है? यहां हमेशा आपकी पायल हुआ करती थी, कहां गई है? पायल तो यही थी, कहां गई? Thank you.
सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं। कहीं ये मेरी और प्रथा की वो पुरानी तस्वीर ना देख ले। मुझे कुछ करना होगा। उर्वशी ये पायल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर ऋषभ, आपको पता है जब हम यहाँ आ रहे थे तो कुछ गांव वाले हमें रोक के कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई इच्छाधारी नागिन रहती है। वो लोग झूठ बोल रहे थे, यहाँ सांप वाप कुछ नहीं है। क्या नाग लोग से अब नाग आएंगे हमें रोकने के लिए? मिस्टर सिंह, कैसे हैं आप? आपकी पत्नी के डेथ के बारे में सुना, बुरा लगा। मैं उन्हें अच्छे से जानता था। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर सिंह, मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि उस हवेली को लेकर मेजर डिस्प्यूट हो गया है। What happened? दिव्या मेरी हवेली मेरे हाथ से चली जाए कि मुझे उसे बचाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई, I understand, पर हवेली के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। Be careful. Mr. Rishabh, inauguration का टाइम हो गया, be ready. गया माँ, आपका महल तो गया। मैं शेष नागिन हूँ, मुझे महल बचाने का दिखावा करना होगा, वरना ये नाग नागिन मुझे छोड़ेंगे नहीं। शेष नागिन की जय हो। शेष नागिन, आप ही हमारी कर्ता धर्ता हैं। हमारे नाग महल को बचा लीजिए। तुम शेष नागिन हो और इस नाग महल को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे होते हुए ये लोग इस नाग महल को तबाह कर दे, ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं चाहती हो कि वहां पे वो कंस्ट्रक्शन ना हो, तुम इनोग्रेशन ही रोक दो। पर मैं तो कहता हूँ कि जो इनोग्रेशन करने जा रहा है तुम उसे ही मार दो। हे शिव जी, ये नाग महल हमारे नाग नागिनों का बसेरा है और ऋषभ इसे तोड़ना चाहता है। इस टाइम अचानक धुआं कहां से आ रहा है? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं नहीं, आप वहां मत जाओ, आप वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां सांप रहते हैं। मैंने टूट के तुमसे प्यार किया ऋषभ, और तुमने तो मुझे ही तोड़ दिया। मेरी जिंदगी तो तुमने तबाह कर दी। अब तुम इस नाग महल को तबाह करने आए हो, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। पर नाग महल तो तुम्हें तबाह नहीं करने दूंगी। मुझे मौत देने वाले कातिल, अब मैं मौत बन के आई हूँ तेरे लिए। बहुत धुंध है, तुम शेष नागिनों कुछ तो करो, मिटाओ इस धुंध को। मैं कुछ करती हूँ।
मिस्टर ऋषभ, मार दो इसे। चले यही वजह जिसकी वजह से मैं इस नागमेल को नहीं तोड़ूंगा। इन सांपों ने मुझ पे बेवजह अटैक नहीं किया, और अगर हमारे घर पे कोई वार करता तो हम भी उन पर वार करते। घर जिंदगी होती है, और मैं इन सांपों से इनकी जिंदगी नहीं छीन सकता। ये ऋषभ मेरे लिए एक राज बन गया है। उसका असली चेहरा है क्या? एक वो जिसने मुझे धोखा दिया, या ये चेहरा जो नागों की ढाल बन के खड़ा है? तुम हो क्या ऋषभ? ये नाग महल जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा। साहब, आपने हमें हमारी जिंदगी दे दी, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साहब, आपने हमारी मान्यता का मान रखा, भगवान शिव आपका मान रखेंगे। और ऋषभ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इच्छाधारी नाग नागरों में बिलीव नहीं करते हो, लेकिन फिर भी तुमने इन बेजुबान सांपों का साथ दिया है। I'm so proud of you. Mr. विशाल, अब हमें निकलना चाहिए। श्योर। नमस्ते। And I'm sorry about the deal. क्या बात है मैक, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है ऋषभ पे तुम्हें? प्यार नहीं वार उर्वशी, मौके पे चौका मारा है मैंने। अब उन सांपों को लगेगा इस शेष नागे ने नागमहल को बचाया है। पर असली बात तो ये है कि मेरे स्वीट से ऋषभ ने सारा काम कर दिया। तो उर्वशी, खेल खत्म, चलो घर पे चलते हैं। मुझे पता ही था कि तुम ऋषभ को नहीं मार पाओगे। हाँ, तुम्हारा दिल टूटा जरूर है, तुम्हारे टूटे हुए दिल के हर टुकड़े में ऋषभ का प्यार आज भी जिंदा है। पर अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी हवेली के बारे में सोचना है। तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। मिसेस सिंह, आप इतनी रात को कहां जा रहे हैं? एक प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व करनी है, अब जाइए। पता नहीं, जब मैंने वो जगह देखी मैं थोड़ी सी टेंस सी हो गई हूँ। ऐसे किसी से उनका घर छीनना मुझे सही नहीं लग रहा। डोंट वरी, किसी को टेंस होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने अपने वकील से बात कर लिया, वो कल ही जाके कोर्ट में PIL फाइल कर देगा। एंड आई विल मेक श्योर ये जो आर्कियोलॉजिकल वाले वो उस महल को तोड़ के कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनाएंगे। बहुत अच्छे, लोग इंसानों के लिए कुछ नहीं करते और तुम सांपों के लिए इतना कुछ कर रहे हो। प्रथम, ऋषभ को देख के कभी कभी लगता नहीं है कि ये उतना भी बुरा हो सकता है जितना लगता है। यही तो बात है ना दिव्या, लोगों के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो पूरी दुनिया को दिखाते हैं, और दूसरा वो जो अपने अच्छे चेहरे के पीछे आड़ में धोखा दे जाते हैं। मिस्टर सिंह नहीं आए। वो एक्चुअली ही टोल्ड मी कि उन्हें कोई अर्जेंट काम है, इसीलिए वो बाद में आएंगी।
But I'm sure वो मेरे लिए कोई surprise ही plan कर रहे होंगे. My Raju really loves me, no? Hello sir. मिस्टर वचना कैसे हो गया? सर मुझे भी कुछ समझ नहीं आया. सर ये हवेली की पेपर्स और सर दो दिन बाद ही हवेली चैरिटी में चली जाएगी सर. नहीं 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 नहीं, ये हवेली तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. कोई तो रास्ता होगा इसे बचाने का. सर एक ही रास्ता है, आपकी शादी से. हाँ सर, अगर आपकी हवेली बचानी है तो आपको शादी करनी पड़ेगी. मिस्टर ऋषभ, मार दो इसे. इन सांपों ने मुझ पे बेवजह अटैक नहीं किया. ये नागमहल इनका घर है और अगर हमारे घर पे कोई वार करता तो हम भी उन पे वार करते. ये नागमहल जैसा है वैसा ही रहेगा. यहां कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा. अगर आपकी हवेली बचानी है तो आपको शादी करनी पड़ेगी. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम बताओ, ऋषभ को मिस कर रही हो ना? मैं कुछ समझी नहीं. पर मैं सब समझ गया हूँ. अब अगर मैंने तुमसे कुछ पूछा कि तुमने ऋषभ को क्यों नहीं मारा, तो मुझे फिर कोई बहाना बना के समझा दोगे? करेक्ट. ऋषभ ने नाग महल के नाग नागिनों की रक्षा की है. सो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एनीवेज मैं तुम्हें किसी भी बात में फोर्स करना नहीं चाहता हूँ. मुझे ज्वाला ने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है तुम्हारा बदला लेने में, इसलिए मैं अब तक तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहा था. लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा. क्या काम? शादी. मुझसे शादी करनी होगी. मैं आपसे शादी क्यों करूंगी और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? रिलैक्स, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता. मैं शादी तुमसे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी एक हवेली है और वो मुझे तभी मिलेगी जब मेरी पत्नी मेरे साथ होगी. एक्चुअली वो हवेली मेरी मरी हुई वाइफ की थी. उसकी आंटी भी शादी में आ रही है. एक बार उसने हमारी शादी होते हुए देख लिया तो फिर वो हवेली मेरे नाम पे कर देगी, वरना वो हवेली जाएगी चैरिटी में. तुम फिक्र मत करो, ये कोई सचमुच की शादी नहीं होगी, पूरा ड्रामा होगा. पंडित नकली होगा, मंत्रोच्चार भी नकली होगा, सब कुछ नकली होगा. तुम्हें पंडित के सामने सिर्फ डोंग करना है कि तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो, ठीक है? मेरे साथ खड़े रहना है उस हवेली में जो कि उस आंटी की है. एक बार उसने हमारी शादी देख ली, वो वही के वही हवेली को मेरे नाम पे कर देगी. एक बार हवेली मेरे नाम पे हो गई, उसके बाद शादी करके हम वापस आ जाएंगे. देखो इसमें तुम्हारा भी फायदा है. तुम काफ़ी टाइम से ऋषभ को मारना चाहती हो तो तुम मार नहीं पा रही हो. ये एक और मौका है. तुम जैसे जाओ उसे मार सकती हो, किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे साथ मंडप में बिजी होगी. ऋषभ भी मर जाएगा, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, मुझे मेरी हवेली मिल जाएगी. सो ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी और आपके साथ नकली शादी करूंगी और उस नकली शादी में ऋषभ को असली मौत दूंगी.